लिविंग इन लाहौर पोलो आई नो कि मैंने देखी कुछ थोड़ी बहुत देखी या उसको लाइक यू नो थोड़ा बहुत कह लें कि एक हद तक फॉलो किया, लेकिन जो दिस कैटेगरी व्हिच यू हैव क्वालिफाइड इनटू, इसका क्या स्कोप है? इसको क्या लाइक यू नो इफ समबडी वांट्स टू यू नो बी एट योर पोजीशन व्हाट दे हैव टू डू? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बहुत सी चीजें हैं। हमने जब मैं 2014 में क्वालिफाई करने की कोशिश करता एशियन गेम्स में, फंडिंग के मामले में आ गया कि जी हॉकी को वी विल गिव प्रायोरिटीज, क्योंकि जितने आपको फंड की जरूरत है उतनी हम पूरी हॉकी टीम को लेके जा सकते हैं एशियन गेम्स में। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हॉकी टीम टोक्यो के लिए क्वालिफाई नहीं की, विच इज प्रीटी सैड। एट द सेम टाइम नो ऑफेंस टू एनीवन, अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप मेन स्ट्रीम स्पोर्ट को, क्रिकेट होगी, को अगर आप फंड करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल गो अप द स्केल। लेकिन जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन अगर उसके अंदर आ रही है टोक्यो ओलंपिक लेवल के ऊपर, आपको मैं बताता चलूँ, कराटे का एक जापान में है, स्विमर हमारी इंग्लैंड से थी, और बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानी की बड़ी इनपुट है ओलंपिक लेवल में क्वालिफाई करने में। अब इनको फंड्स कौन दे रहा है? ये खुद बेसिकली इंडिपेंडेंटली तौर पे इसको परस्यू कर रहे हैं। अब इस स्पोर्ट का जो कैलिबर है, बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि हम नेजाबाजी में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। अब उससे उसको लोग इतना ज्यादा शायद नहीं देखते, लेकिन उसकी मैसिव फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे से ज्यादा अच्छे घोड़े सवार हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और इस स्पोर्ट को अगर आप लेके चले, और इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये ना कि पोलो में आप जिस तरह बात कर रहे हो ना कि एक तबका है पोलो खेलता है, एक्सक्लूसिविटी है, इस स्पोर्ट के अंदर इतनी एक्सक्लूसिविटी नहीं है। आपका जिस बुक से ताल्लुक है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ इस आपके बैकयार्ड में इवेंटिंग होती है, इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरोप एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में जस्ट जनरल हॉर्स राइडिंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करें, और इट इज अ मैसिव इंसेंटिव। मैंने फौज को डी लेटर लिखा, उसमें मैंने उनको बताया कि हमारा जो मोना डीपू है, आपको पता है मोना डीपू हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीमाउंट एस्टेब्लिशमेंट है पूरी दुनिया के ऊपर। आई थिंक 130,000 acres, आई कुड बी रॉन्ग, बट इट्स समथिंग अराउंड दैट नंबर। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर हम अपना ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें यूरोपियन ब्रीड्स को, और उससे हम एक्सपेंड करें, तो मार्केट ऑब्वियसली विल एक्सपेंड अकॉर्डिंगली। काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहा है कि डिमांड नहीं है। बिल्कुल डिमांड उस वक्त आती है जब आपके पास सप्लाई भी थोड़ी सी हो देने के लिए। तो लोग एग्जैक्टली बार बार यूरोप की तरफ जाते हैं, अर्जेंटीना की तरफ जाते हैं घोड़े लेने के लिए। अगर हम अपनी ही जड़ों को मजबूत करें ना, तो हम वी आर ए वेरी टैलेंटेड नेशन, लेकिन टैलेंट अलोन इटसेल्फ इज नॉट इनफ। वी मस्ट एक्चुअली डू समथिंग एट द ग्रास रूट लेवल, और ग्रास बिल्कुल रूट लेवल एग्जैक्ट के वही ना, जब आप दरख्त होते हैं उसको उसकी बुनियादें सख्त होनी चाहिए, वरना झड़ जाता है दरख्त। तो बिल्कुल इसलिए हमें शॉर्टकट्स ढूंढने नहीं है, हमें अपनी बुनियादों को थोड़ा सा बहुत मजबूत करना है। उससे ये जो लोग है ना, हमारे सोशल मीडिया पे अलहमदुल्ला अच्छी खासी फॉलोइंग है, पीपल अप्रोच अस ऑल द टाइम आस्किंग अस कि हाउ कैन वी कम इन। अब ज्यादा से ज्यादा कहते हैं हम ये कह सकते हैं आप इस राइडिंग स्कूल पर जाए, लेकिन हर राइडिंग स्कूल का कैलिबर है इस बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर। वो एक इंटरनेशनल लेवल पे, एफएआई लेवल पे कम्पीट नहीं कर रहे डोमेस्टिकली तौर पे। हमारा हमसाया मुल्क इससे इस मामले में बहुत आगे है हमसे। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि जिस तरह क्वालिफिकेशन आई है, इंशाल्लाह व्हेन वी रीच द ओलंपिक्स इट विल क्रिएट अ न्यू वेव ऑफ होप, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इससे और बिल्कुल। भी बहुत लोग आएंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ चीप स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स है ये चीप नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव टू रन। अगर आप हॉकी की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो आपकी जो उस पर एक्सपेंसिज है वो बड़े लिमिटेड होते हैं। लाइक आपने किट खरीदनी है 1,000-2,000 की, और आपने एक क्या कहते हैं किट मीन यूनिफॉर्म, और उसके बाद आपने पैड चढ़ लिया, मतलब 10 से 15 हजार में एक क्रिकेटर का जो है वो सामान तैयार हो जाता है। फुटबॉलर है वो मेरे ख्याल से कि वो और सस्ते में तैयार हो जाता है, उसने तो शॉर्ट्स और टी शर्ट लेनी है और एक फुटबॉल लेना है, और तो 2-3 हजार में एक फुटबॉलर भी तैयार हो गया। तो योर स्पोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक घोड़ा पालना और एक ऑब्वियसली फुटबॉलर पालना, इट दैट वेरी टू डिफिकल्ट थिंग्स, इफ यू अंडरस्टैंड आप वेर आई एम कमिंग फ्रॉम।
ये जो आपने सवाल पूछा है ना, मुझे बार बार ना मेरे थोड़े से स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स जो है ना, मेरा ये कंफर्ट जोन तो नहीं है ना मीडिया से बात करने का। मैं 15 साल मीडिया में पहली बार आया हूँ, मुझे जी एडवाइस लोग करते हैं कि आप प्राइसेस के बारे में, कीमतों के बारे में ना बात किया करें। मेरी जी काउंटर आर्गुमेंट ये होती है कि यार अगर मैं कीमत ना बताऊं ना तो लोग समझेंगे कि इस ये 2-3 हजार का बैट ले लो और जाके ओलंपिक्स में खेल लो। तो थोड़ा सा ताकि लोगों को एहसास हो कि इट इज नॉट ए चीप स्पोर्ट और इसके अंदर फंड भी है और लोगों के पास पैसा भी है। ये नहीं कि पैसा नहीं है, हमारी कम्युनिटी के पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा मुल्क है। ये भी एक गलत शऊर है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ कि पाकिस्तानी लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, जैसे भी है लेकिन है। अब आ जाते हैं फंड्स के ऊपर कि हमारा मेरे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैं आपको अंदाजा, जब मैंने स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया ना तो मुझे अंदाजा नहीं था। अब ये इसकी ना 2-3 चीजें, एक तो इसका अंग्रेजी का लफ्ज जो है ना इक्वेस्ट्रियन, इसको प्रोनाउंस करते करते मेरी आधी अंग्रेजी खत्म हो जाती थी। एक तो ये मुश्किल लफ्ज है, इसको अगर आप सॉरी टू कट यू देयर, मैंने आई मीन आई मस्ट से दैट, और सॉरी, लेकिन यह है कि मैंने गूगल ट्रांसलेटर से इसको 2-3 दफा इसके प्रोनाउंसिएशन सुना बिफोर आई एक्चुअली केम ऑन टुडे एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू. तो यू आर राइट कि इक्वेस्ट्रियन जो है ऑब्वियसली अगेन वही बात है कि हमने ऑब्वियसली थ्रू आउट आर लाइव्स दिस इज समथिंग व्हिच वी नेवर केम अक्रॉस. हमने हमारा इसके साथ लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं रहा, जिसकी वजह से आई थिंक वी डिड नॉट शो इंटरेस्ट अप टू दैट लेवल. सॉरी, अब कंटिन्यू करें. नहीं, यू एब्सोल्युटली राइट। आपकी बात को आगे लेकर चलता हूँ। ये जो है ना इक्वेस्ट्रियन का लफ्ज, तो फिर मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया लाहौर में कि यार इक्वेस्ट्रियन को उर्दू में लिखो किसी तरीके से और इसका कोई आसान लफ्ज ढूंढो उर्दू में। तो फिर इसको जब बार ऑन एयर जाते हैं ना बास चैनल्स के सबको, मैं कहता हूँ आप सिर्फ घोड़ा सवार कह लें, आप इतने मसाइल में ना पड़े कि इसको इक्वेस्ट्रियन कहना या नहीं कहना। एक्चुअल स्पोर्ट का नाम है इवेंटिंग, अब वो और औखा काम है, उसकी अंग्रेजी अलग कहते हैं। उसको फिर हमने उर्दू में लिखा फॉन्ट में, फिर लोगों को थोड़ा सा शोर पैदा किया। अब मैं आपको बताऊं, जब हमने पहली बार फिजिबिलिटी बनाई ना एशियन गेम्स में जाने के लिए, उस वक्त एशियन गेम्स 2000 मेरे ख्याल दोहा में थी, तो हमें कहा गया कि सिर्फ घोड़े को ले जाने के $80,000 है, $80,000 सिर्फ घोड़े को ले जाने के वन वे। मेरी 2014 की फिजिबिलिटी स्टडी और 2018 की फिजिबिलिटी स्टडी एक्चुअल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन $1,00,000 थी सिर्फ घोड़े को फ्लाई करने की, $1,00,000। और उसमें घोड़ा ने जाना है एशियन मुल्क में, वहां उसके जाने से पहले बेल्जियम में क्वारंटीन थी तकरीबन 30 डेज, ठीक है। उसके बाद वो फ्लाई करेगा जकार्ता, जकार्ता फ्लाई करेगा और जकार्ता से जब वापस आएगा बेल्जियम ब्रसल्स, ही विल स्टे देयर फॉर 6 मंथ्स बिफोर ही इज अलाउड टू फ्लाई बैक टू ऑस्ट्रेलिया। अब यकीन मानो 6 महीने की क्वारंटीन के पैसे was around $30,000। तो घोड़े एक की और पार्किंग फीस. पार्किंग फीस, ये भी अजीब ही नखरा है कि 6 महीने घोड़े को आप यूरोप में रखो और फिर 30 डेज उधर रखो। तो क्योंकि इनकी होती है ना बबल टू बबल फ्लाइंग जोन होती हैं घोड़ों की, ताकि वो डिजीज को ना ज्यादा स्प्रेड ना कर सकें और उसको आप कंटेन कर सकें एक छोटी सी स्टेबल ब्लॉक के अंदर। तो ये सिर्फ जाने का खर्चा है। बाकी जो प्राइसेस की बात आ जाती है ना घोड़ों की, मैं आपको यकीन बताऊं कि मैंने आपको पहले भी ऑफ एयर बताया था कि जब आजाद की डेथ हुई है ना, एवरीवन न्यू इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी के अंदर कि पाकिस्तान हैज क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। बिकॉज ऑफ दिस न्यूज पीपल विल स्टार्ट टू टेक सम सॉर्ट ऑफ यू नो एडवांटेज कि हम ये लोग मार्केट में दोबारा आएंगे घोड़ा खरीदने के लिए। तो जो 1.5 लाख का घोड़ा था ना वो 7.5 का हो गया। अब आपके मुल्क से एजेंट्स का मुझे फोन आया, 4.5 लाख पाउंड का घोड़ा वो मुझसे मांग रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल प्राइसेस नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं।